यस प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीएम मोहित तापड़िया। और हमने अभी तक आपको दो खास खास वीडियोस आपको मैंने भेंट किए हैं, गिफ्ट किए हैं, जिसमें पहला वीडियो था 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स, दूसरा था 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और अब हम लेके आए एक शानदार सुपर सा सुंदर सा पीडीएफ, जिसमें हमने बहुत सारे 2 मार्क के आंसर्स को आपके लिए कंपाइल किया है। और इस वीडियो में हम सारे आंसर्स नहीं पढ़ेंगे, हम खाली वही पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेपर्स एडुकेशन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर है इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चंस। बट ये लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आपको 2 काम करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से शेपर्स एडुकेशन को सब्सक्राइब करिए, वो बेल बेल का जो आइकन वगैरह प्रेस करना तो वो भी कर दीजिए कि आपके पास हमारे शानदार से वीडियोस तकातक ऑन द स्पॉट पहुंचते रहे, राइट। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक के अंदर, जहां पे हम लोग 2 मार्क के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं चाहूंगा आप पूरा का पूरा ध्यान अपना यहीं पे रखें, आप सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आज हम 2 मार्क के आंसर्स पे ध्यान देंगे। चलिए पहले कुछ जनरल बातें बताता हूँ। 2 मार्क के आंसर्स लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आंसर 2 मार्क का है, इसकी साइज ज्यादा मत लिख देना, फैकम फैक इतना मत करना कि आप एक एक पेज का आंसर लिख के, कोई जरूरत नहीं है। 2 मार्क के आंसर्स को 2 मार्क जितनी ही टाइम दो, उतना ही उसको इज्जत दो। आप 2 मार्क के आंसर्स को 5 मार्क जितने रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेड लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो। अब क्या होता है, कभी कभार किसी क्वेश्चन के अंदर या तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है लिखने के लिए, हमें लगता है सब लिख देते हैं, भैया मत लिखना, साइज का प्लीज ध्यान देना, क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए जब 2 मार्क का क्वेश्चन आए, अगर आपको लगे आपके पास कॉन्टेंट बहुत सारा है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने में ही समझदारी रहेगी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे चैप्टर शेयर कर रहा हूं जो एज पर ब्लू प्रिंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर बार 2 मार्क के आंसर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डायग्राम एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज ड्रॉन। ये बहुत बार पूछे गए डायग्राम के पर्पस, बहुत बहुत बार पूछे गए एग्जाम में हमेशा से। सो आपके लिए पर्पस थोड़े से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पर्पस मतलब डायग्राम क्यों बनाया जाता है, उसको बेसिकली पर्पस कैटेगरी के अंदर गिना जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है तो ध्यान देते रहना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। What is meant by graph and what is the purpose for it is drawn? Again, graph की खाली meaning याद कर लो, purpose वगैरह इसमें नहीं आ सकते हैं। Mostly diagram का पूछते, वो भी इतना खास important नहीं है। इसके आगे जो आने वाला है, ये सबसे important answer है। ये question कभी कभार 2 मार्क में पूछा गया, कभी 3 मार्क में पूछा गया है, बट पूछा जरूर गया है भैया। सो प्लीज ध्यान दे लेना, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। डायग्राम और ग्राफ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला, क्यों इंपॉर्टेंट है डायग्राम और ग्राफ का इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या क्या काम है, क्यों भैया डायग्राम ग्राफ बनाया जा रहा है। तो पहला रीजन है, इकोनॉमिक्स लुक डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। नॉर्मली जब एक आदमी को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, पहली पहली बार उसको बहुत डिफिकल्ट, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। पर क्या होता है, ये जो डायग्राम्स होते हैं, ये इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं, ये इकोनॉमिक्स को ग्राफ बनाने से उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, और आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन करके थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं। इसलिए डायग्राम ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्यों, 3 बातें। सबसे पहला, डायग्राम हमारे इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं, ग्राफ हमारा कंफ्यूजन दूर करते हैं, और हमें ज्यादा क्लैरिटी देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इकोनॉमिक पैरामीटर्स का जब एक डायग्राम बनाया जाता है, वो हमें एक ट्रेंड शो करता है, हमें एक ट्रेंड बताता है कि हमारा डेटा किस पर्टिकुलर तरफ दिशा कर रहा है, किस पर्टिकुलर तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट वन, ग्राफ और डायग्राम आपको समझने में भी मदद करते हैं। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझना डिफिकल्ट होता है तो उस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने में भी हमको ग्राफ डायग्राम बहुत हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट, कभी कभार हम लोग जब कंपैरिजन करने की बारी आती है 2 ग्रुप्स के बीच में, या 2 कंट्रीज के बीच में, 2 रीजन्स के बीच में, या 2 सेक्टर्स के बीच में, या 2 टाइम पीरियड के बीच में, तब ये ग्राफ्स और डायग्राम्स हमारी बहुत मदद करते हैं कंपैरिजन करने में। तो एक मुद्दा हो जाता है कंपैरिजन का भी। नेक्स्ट वन, कभी कभार ये डायग्राम ग्राफ हमारा टाइम और एफर्ट बहुत बचा देते हैं। भैया किसी बुद्धू आदमी को लिख के समझाओगे, समझ में नहीं आएगा, पर आप एक सुंदर सा डायग्राम बना दो, अब उसको समझाओ, उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपके एफर्ट्स को कम कर देते हैं, आपका काम इजी कर देते हैं। सेम वे ये डायग्राम और ग्राफ क्या करते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा डिटेल में समझाते हैं। कभी कभार डिफिकल्ट से प्रिंसिपल को भी समझाने में ये डायग्राम ग्राफ
बहुत इजी कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। कोई भारी से भारी डिफिकल्ट प्रिंसिपल भी होगा तो डायग्राम ग्राफ उसको इजी करने में आपको मदद कर देते हैं। सो इसलिए अगर आपको कोई पूछे क्या डायग्राम ग्राफ इंपॉर्टेंट है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट में हमने उसके इंपॉर्टेंस को समझाया है। जिसको एक बार में समझ नहीं आता है, थोड़ा सा पीछे जाओ, वापस से समझो, फिर आगे बढ़ो। भैया बार बार पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या घर का यूट्यूब वीडियो जितनी बार चाहो घुमाते रहो, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हाउ आर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन इजी है, एग्जाम में कभी कभार पूछा हुआ, बट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर बाई चांस आएगा तो आप मन से भी लिख सकते हैं कंप्यूटर्स कैसे इजी करते हैं, कंप्यूटर्स प्रेजेंटेशन बनाने में इजी करते हैं, एक्सेल की वर्कशीट वगैरह बनाने में इजी करते हैं, एक्सेल से सीधा डायग्राम बन जाता है, कंप्यूटर्स हमें हमारे डेटा को स्टोर करने में मदद करते हैं। तो आप ये मन से भी थोड़ा बहुत टिका के लिखोगे चलेगा। इतना सारा मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, आपको 2 मार्क आंसर में इतना नहीं लिखना है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जब इतना सारा पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, तो एग्जाम में थोड़ा बहुत मन से लिख के आओगे चलेगा। हेडिंग अच्छे से याद कर लेना खाली। चलिए नेक्स्ट वन, राइट अ नोट ऑन डेटा सीडी। अगेन यूजलेस क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाना चाहिए। भैया तुम्हारे नसीब को ज्यादा ही खराब हो तो पूछेंगे, बाकी फालतू क्वेश्चन है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स है भैया देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, इसलिए मन से भी लिखोगे तो चलेगा। क्यों भैया नेशनल इनकम अच्छा इंडिकेटर नहीं है, उसके क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला, बहुत डिफिकल्ट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, इनफैक्ट नामुमकिन टाइप ही है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट इनकम किसी की बता सकते नहीं है। सेकंड, अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत सारी है तो भैया पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा करना, सबकी इनकम को निकालना, पूरी इनकम को ऐड करके देश की इनकम निकालना, भैया बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है, इट इज नॉट दैट इजी जॉब। नेक्स्ट वन, नेशनल इनकम गिनने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मेथड, जैसे कि इनकम मेथड, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो इतने सारे मेथड्स होते हैं और हर मेथड के अपने लिमिटेशंस होते हैं। सो इतने सारे मेथड्स याद करना, इतने सारे मेथड्स पढ़ना, इतने सारे मेथड्स समझना इजी नहीं होता है, इसलिए इन मेथड्स के कारण में नेशनल इनकम को गिनना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या पर कैपिटा इनकम के भी लिमिटेशंस है? ऑफ कोर्स है यार, अगर नेशनल इनकम के होंगे तो पर कैपिटा के होंगे ही होंगे, क्योंकि भैया पर कैपिटा इनकम निकलता नेशनल इनकम से ही है। फॉर्मूला क्या होता है पर कैपिटा इनकम का? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अगर नेशनल इनकम के लिमिटेशन है तो पर कैपिटा के होने होने, ये आंसर आप लोग खुद पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कम ऑन, थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, Where do the quantitative and qualitative changes occurs? Again, ये फालतू सा क्वेश्चन है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। For the various indicators of economic development, नाम याद कर लो खाली, ये 1 मार्क में 2 मार्क में पूछ लेंगे, सिर्फ नाम याद कर लेना। इसके फुल फॉर्म्स भी याद कर लेना, HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI का जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI का टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, HPI का ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, SCL का ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स एंड सो ऑन। ये फुल फॉर्म याद करना, कभी कभार पूछ सकते हैं एग्जाम में, या 1 मार्क के MCQ टाइप में भी पूछ सकते हैं। सेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट के क्या लिमिटेशंस है? देखो भैया हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ जगह इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पूछा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट के क्या क्या लिमिटेशंस है। तो हमें पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट टेक्स इंटू कंसिडरेशन ओनली क्वान्टिटेटिव चेंजेस, ये सिर्फ क्वान्टिटी पे ध्यान देता है, क्वालिटी पे ध्यान देता नहीं है। सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक यही है कि इसके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर ये क्वांटिटी पे ध्यान देगा तो कॉमन सेंस की बात है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लिमिटेड लेवल तक काम आएगा। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके इनकम के साथ साथ बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपके देश की इनकम बढ़ रही है, वो ये नहीं देखेगा कि ये इनकम गरीब आदमी की बढ़ रही है, मिडिल क्लास की बढ़ रही है कि रिच आदमी की बढ़ रही है। एंड दैट इज द रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। नेक्स्ट वन, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। देन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कुछ पर्टिकुलर मेजर्स पे ध्यान नहीं दे पाता है, भैया इनके लिमिटेशन है, तभी तो HDI इंडेक्स आया, वरना HDI की जरूरत ही क्या पड़ती। तो ऑफ कोर्स देयर आर लिमिटेशंस, अगेन आई एम सेइंग टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका भी कोई काम नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टेंशन मत लेना, ये सब नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम के अंदर। चलिए
अब आपको ये पूछेंगे भैया, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में से कौन सा टफ है मेजर करना, इसके डिफरेंसेस पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला चैप्टर आता है मनी एंड इन्फ्लेशन। सिंपल सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर, एग्जाम में ज्यादा मेहनत नहीं करवाए गए चैप्टर। इसमें बेसिकली फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर आपको कोई एक आधा फंक्शन पूछेंगे, जैसे इसने निकाल के पूछ लिया फंक्शन ऑफ मनी में से मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझाओ, तो आपको समझाना पड़ेगा कि भैया मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन सा फंक्शन है। आपको इस फंक्शन को 3-4-5 लाइन में समझाना हो जाएगा। तो सारे के सारे फंक्शंस नहीं पूछेंगे, कोई भी एक फंक्शन उठा के पूछ सकते हैं, आपको इस फंक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पूछ लिया फंक्शन ऑफ मनी और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी का जो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन है भैया वो समझा दो, आपको वो फंक्शन भी पूछ सकते हैं। फिर आपको पूछ लेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कॉजेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना कि इन्फ्लेशन क्यों आता है, इन्फ्लेशन कैसे आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि इन्फ्लेशन आने के पहले रीजंस होते हैं सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, अगर सरकार कभी कभार टैक्सेस बढ़ा देती है तो टैक्सेस बढ़ाने से चीजें महंगी हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है, तो चीजें महंगी होने से कॉस्ट बढ़ने से कई बार इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, जब हम लोग बाहर से गुड्स मंगवाते हैं, अब बाहर वाले हमें गुड्स महंगा भेजेंगे तो कॉमन सेंस से हमारे यहाँ पे जो फिनिश गुड्स बनेगा वो भी महंगा ही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आता है। कभी कभार स्कैर्सिटी के कारण, अभाव के कारण, कमी के कारण भी भाव बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन कम, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, गर्मी में नींबू की पैदाश कम हो जाती है और नींबू की खपत बढ़ जाती है। अब खपत बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, वहां पे एक स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाता है, इसलिए नींबू के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं। अभी 2 महीने पहले नींबू 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल रहा था, अभी वही नींबू 80-100 मिल रहा है, थोड़े दिन बाद में 200 रुपए किलो भी मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज बेसिकली स्कैर्सिटी भैया, कॉमन सेंस है ये। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में अगला चैप्टर आता है बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसीज। अगेन इसमें छोटे मोटे टर्म्स आएंगे, आप चाहो तो फर्स्ट आंसर तो बैंक ओरिजिनेशन नहीं पूछेंगे, आपको ये पूछ सकते हैं कि भैया बैंक में कौन से बेसिक अकाउंट्स खुलते हैं, बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमें भी पता है बैंक के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। अब बैंक डिपॉजिट कितनी तरह से एक्सेप्ट कर सकता है, वैसे 3-4 होते हैं, आपकी बुक 3 लिखती है, आपकी बुक लिखती है सेविंग्स अकाउंट, आपकी बुक लिखेगी करंट अकाउंट और लिखेगी फिक्स डिपॉजिट। आज की तारीख में जनधन अकाउंट भी ऐड कर दिया गया है, जनधन तरीके अकाउंट के माध्यम से भी बहुत सारे बैंक अपने यहाँ पे खाता खुलवाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे देश में जनधन योजना के तहत करीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुले हैं। सो यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द बैंक। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, अगेन एज आई सेड इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत अपने मन से एक्सप्लेन करोगे चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चा लोग, प्लीज मेक श्योर अबाउट द सेम। नेक्स्ट वन, राइट अ नोट ऑन क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉर, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली सरकार के पास 2 टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पूछा गया है कि जब कभी भी मॉनेटरी पॉलिसीज लॉन्च की जाती है तब मॉनेटरी पॉलिसीज में सरकार के पास क्या क्या क्वालिटेटिव टूल्स रहते हैं। बेसिकली सरकार के पास 3-4 क्वालिटेटिव टूल्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। सरकार जब भी चाहेगी लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की अमाउंट कम या ज्यादा कर सकती है, इससे सरकार मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब समझते हो बच्चा लोग, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जब कभी भी आपको लोन लेना होगा तो आपको सामने कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ता है, उसे कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकेंड, बैंक चाहेगी तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है, मतलब 1 करोड़ के घर के सामने 40% काट के 60% लोन देना अलाउ कर देगी। कभी कभार बोलेगी नहीं भैया 30% काट के 70% लोन दे दो, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, सेलिंग ऑन क्रेडिट, कभी कभार एक लिमिट लगा देगी कि भैया इससे ज्यादा आपको क्रेडिट देना अलाउड नहीं है, तो एक सीलिंग लगा सकती है। कभी कभार डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट लगा सकती है कि अच्छा कोई आदमी घर खरीदने के लिए लोन मांग रहा है तो उसको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में दो, गाड़ी खरीदने के लिए मांग रहा है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में दो, तो एक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चला सकती है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकती है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। छोटा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मन से लिखोगे तो चलेगा। इसी के साथ हमने बहुत सारे चैप्टर्स फिनिश किए हैं 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और जैसे कि मैंने कहा था अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, आधा खत्म हो गया है, इतना एक बार आप लोग पढ़िए,
बाकी का आधा हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेक मी फील प्राउड वन डे। जय श्री राम।